और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो बाइडेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रात 12:15 पर, अमेरिकी सदर खिताब करेंगे, अमेरिकी आवाम को खिताब करेंगे अमेरिकी सदर जो बाइडेन। कल ही अफगानिस्तान से निकले हैं अमेरिकी फौजी, तालिबान ने आज तक का दिया था अल्टीमेटम, लेकिन 24 घंटे पहले ही अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिका पहुंच चुके हैं और आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिकी आवाम को खिताब करेंगे रात 12:15। बड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, अपने खिताब में क्या कहते हैं जो बाइडेन ये देखना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान से पूरी तरीके से वो निकल चुके हैं, अमेरिका पहुंच चुके हैं, आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी अमेरिका की, क्योंकि जो बाइडेन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कई बातें साफ होंगी। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन ने कहा था काबुल एयरपोर्ट पर जब अटैक हुआ था, हमला हुआ था, कि वो बख्शेंगे नहीं, किसी तरह का रहम नहीं करेंगे और इस अटैक का बदला लेकर रहेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब जब अफगानिस्तान से पूरी तरीके से अमेरिकी फौजी जा चुके हैं, ऐसे में आगे वो क्या रुख अपनाते हैं और अपने खिताब में किस तरह की चीजें वो रखते हैं सामने, ये भी देखना होगा। अफगानिस्तान को लेकर तमाम मीडिया की नजरें बनी हुई है, तालिबान के जरिए आज जिस तरीके से ऑफिशियल मीट भी की गई है हिंदुस्तान के सफीर के साथ, और अब जो बाइडेन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रात 12:15, ये देखना होगा, क्योंकि कल ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की वापसी हुई है, यानी कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान उन्होंने छोड़ दिया है। और इस मौजू पर जो बाइडेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं रात 12:15, अपने खिताब में अमेरिकी सिटीजन से वो क्या खिताब करते हैं, क्या बातें कहते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि सुपर पावर ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को 20 सालों बाद छोड़ा है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका क्यों अफगानिस्तान गया था, 20 सालों में क्या पाया अमेरिका ने और क्या खोया है अमेरिका ने। ये अमेरिका की हार है, क्योंकि जीत के तौर पर इसे कतई नहीं देखा जा रहा है कि अमेरिका यहाँ जो अमन बहाल करने के लिए पहुंचा था, दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए 20 साल पहले पहुंचा था, क्या 20 साल बाद वो तस्वीरें बदल पाई हैं, वो चीजें बदल पाई हैं, हालात बदल पाए हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर क्या मजबूरी रही अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के लिए।